أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Welcome to online classes of Al-Munir High School e-learning system Class 6 आज unit number 10 हमारा unit number 10 है जिसकी हमने exercise plus reading करनी है और इस unit का name है सूरज ठीक है unit number 10 है हमारा जिसका नाम है जिसका उन्मान है सूरज इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं सूरज अल्लाह की पनाह अल्लाह की पनाह हैदर मियाँ किस चीज़ से अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे हो नाना जान ने पूछा यानी इसमें जो दो करेक्टर सामने आए हैं हमारे वो है एक हैदर है हैदर मियाँ यानी आई होप बच्चा होगा और नाना जान है उसके हैदर बोला नाना जान गर्मी की शिद्दत से यानी नाना जान को वो कह रहा है कि गर्मी की शिद्दत से वो अल्लाह की पनाह मांग रहा है गर्मियों में तुम सूरज को बुरा भला कहते हो और सर्दियों में सूरज पर तिल मिलाते हो तिल मिलाना होता है गुस्से में आना यानी गर्मियों में जब सूरज निकलता है तो हम सब उसको बुरा भला कहते हैं हम दुआएं करते हैं कि काश आज सूरज ना निकले मौसम खुशगवार रहे और सर्दियों में जब सूरज नहीं निकलता तो हम सब सर्दियों में सूरज के ना निकलने पर गुस्से में आ जाते हैं तिल मिलाते हैं आओ मैं तुम्हें सूरज की कहानी सुनाता हूँ अब नाना जान जो है वो हैदर से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सूरज की कहानी सुनाता हूँ अरे वाह क्या बात है अब उसने यहाँ पर अपनी फीलिंग्स का अपने जज्बात का मतलब इजहार किया है ना क्या बात है ये कहकर हैदर नाना जान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया बेटा जब हम लोग सितारों की बात करते हैं तो हमारे जहन में नन्हे मुन्हे जगमगाते नन्हे सितारे आ जाते हैं लेकिन एक बात हम फरामोश कर बैठते हैं फरामोश का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स भुला देना फरामोश कर बैठते हैं यानी भुला देते हैं अब नाना जान उसे कह रहे हैं कि जब हम सितारों की बातें करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है हमारे जहनों में क्या आता है कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जगमगाते सितारे होंगे जिनकी हम बात करते हैं लेकिन हम एक बात को भुला बैठते हैं फरामोश कर बैठते हैं आसमान पर एक ऐसा भी सितारा है जिससे हमें रोशनी और हरारत हासिल होती है हरारत किसे कहते हैं गर्मी को अब उन्होंने क्या कहा है कि आसमान पर बाकी तमाम सितारों के साथ साथ एक ऐसा सितारा भी है जिससे हमें रोशनी भी मिलती है और गर्मी भी हासिल होती है और इसी के ज़रिए अल्लाह ताला ने ज़मीन पर निज़ाम ज़िंदगी को कायम कर रखा है और ये एक ऐसा सितारा है स्टूडेंट्स के जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारी जो ज़िंदगियों का निज़ाम है इस ज़मीन पर वो कायम किया है अब हम आगे आगे देखते हैं कि हमारी जिंदगियों का सूरज के साथ क्या ताल्लुक बनता है हैदर ने एक बार फिर बात काटी वो क्या नेक्स्ट लाइन पे फिर वही है कि हैदर ने एक बार फिर बात काटी वो सितारा कौन सा है नाना जान वो अपने नाना से पूछ रहा है कि वो सितारा कौन सा है वो सितारा सूरज है इसकी जिसामत दरमियानी है यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है इसकी जो जिसामत है वो क्या है दरमियानी यानी ना ये बहुत ज़्यादा छोटा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ताहम ये हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ और महवर है लेकिन क्या है कि ये हमारा जो निज़ाम शमसी है हमारे जो पूरे सितारों का निज़ाम है ये उसका मरकज़ है यानी इम्पॉर्टेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 71 इसे दरमियानी जिसामत का सितारा इसलिए कहते हैं हमारी वसी व अरीज कायनात में सूरज से भी सैकड़ों गुना बड़े सितारे मौजूद हैं अच्छा अब हम देखते हैं कि नाना जान ने कहा है कि ये दरमियानी जिसामत का सितारा है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है अब ऐसा क्यों है ये हम देखते हैं कि जो हमारी बहुत बड़ी जो वसी व अरीज कायनात है वहाँ पर सूरज से भी सैकड़ों गुना ज़्यादा जो बड़े सितारे हैं वो मौजूद हैं ठीक है रोमी कौम सूरज को सोल और यूनानी हेलोइस कहते थे अब जो रोम की जो कौम थी रोमी कौम थी वो सूरज को सोल कहते थे और यूनान के रहने वाले हेलोइस कहते थे
हमारी जमीन से सूरज करीबन 9,30,00,000 दूर है। अब हमारी जो जमीन है, अगर हम अंदाजा लगाएं तो सूरज हमसे तकरीबन 9,30,00,000 दूर है। इससे निकलने वाली रोशनी ठीक 8 मिनट बाद जमीन तक पहुंचती है, यानी ये इतना दूर होने के बावजूद उसकी रोशनी इतनी तेज है कि उससे जो रोशनी निकलती है वो 8 मिनट के अंदर अंदर हमारी जमीन तक पहुंच जाती है। जनवरी में जमीन सूरज से ज्यादा दूर होती है, यही वजह है कि जनवरी फरवरी में शदीद सर्दी पड़ती है। ठीक है, अब क्या उन्होंने बताया है कि जनवरी में हमारी जो जमीन है वो सूरज से ज्यादा दूर हो जाती है, और यही एक रीजन होती है कि जनवरी और फरवरी में सूरज जो हमसे दूर है, दूर होने की वजह से हमारी जमीन पर सर्दी हो जाती है। नाना जान खामोश हुए तो हैदर बोला, इसका मतलब ये है कि जून और जुलाई में जमीन सूरज के करीब होती है। अब देखें स्टूडेंट्स, कितनी मज़े की बात की, मतलब स्टूडेंट जो है, ये बच्चा जो है ये ज़रा इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट लग रहा है, क्योंकि उसने फौरन से उस बात के ऑपोजिट में चला गया कि अगर जनवरी और फरवरी में सर्दी पड़ती है और सूरज हमारी ज़मीन से दूर होता है, इसका मतलब है कि जो 2 महीने यानी जून और जुलाई, ये 2 महीने जो हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसका मतलब है कि सूरज जो है वो इन 2 महीनों में हमारी ज़मीन के करीब आ चुका होता है। बिल्कुल दुरुस्त, जुलाई में ज़मीन सूरज के सबसे ज़्यादा करीब होती है। फिर नाना जी बोले कि अच्छा ये तो बताओ कि सूरज ज़मीन से कितना बड़ा है। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, ये बताओ कि सूरज ज़मीन से कितना बड़ा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, पेज नंबर 71 पे। हैदर बोला कि मुझे नहीं पता, आप बता दें। नवासे का जवाब नफ़ी में सुनकर नाना जान बोले, नफ़ी क्या होता है, मतलब ना पता हो किसी चीज़ का, ना में सुनकर नाना जान बोले, अगर 12,000 ज़मीनें इकट्ठी कर ली जाएं तो वो तमाम सूरज के अंदर समा सकती हैं। यानी अगर हम 12,000 ज़मीनें, जैसी हमारी ज़मीन है, अगर हम 12,000 ज़मीनें इकट्ठी कर लें तो वो तमाम भी सूरज के अंदर समा सकती हैं। इस बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि सूरज ज़मीन से कितना बड़ा है। हैरत की बात ये है कि चमकते दमकते सूरज की सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म के दाग पाए जाते हैं। अब क्या है कि सूरज तो बहुत ज़्यादा रोशन है, ठीक है, सूरज जो है वो बहुत चमक रहा है, चमकते दमकता सूरज जो है, लेकिन जो इसकी सतह है, सतह पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के दाग हैं, अगर हम देखें तो वो दाग क्या हैं, वो जो दाग पाए जाते हैं वहाँ पर, वो सूरज से इतने ज़्यादा गर्म नहीं हैं, जिन्हें 1613 में पहली बार अतालवी माहिर फलकियात गैलीलो ने दरियाफ्त किया। अब क्या है कि पहले तो उन्होंने बताया कि सूरज कितना बड़ा है, यानी 12,000 ज़मीनें जो हैं वो इकट्ठी उसमें समा सकती हैं। फिर ये बताया कि सूरज जो है वो हमारी ज़मीन से बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने ये बताया कि सूरज की जो सतह है उस पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के दाग हैं, इन्हें किसने दरियाफ़्त किया था पहली बार, इन्हें पहली बार किसने दरियाफ़्त किया था, अतालवी माहिर फलकियात गैलीलो ने। ठीक है, माहिर फलकियात गैलीलो ने दरियाफ़्त किया। सूरज के मरकज की सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक है। अब सूरज का जो दरमियान है, यानी मरकज जो है सूरज का, उसकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक है। इसका दर्जा हरारत 2 करोड़ दर्जे फॉरेनहाइट तक पहुंच जाता है। जी स्टूडेंट्स, देखें कि सूरज में कितनी गर्मी है, उसका जो दर्जा हरारत है वो 2 करोड़ दर्जे जो है फॉरेनहाइट तक पहुंच सकता है। सूरज की सतह पर पाए जाने वाले दागों का दर्जा हरारत, अब सूरज की जो सतह है उस पर जो दाग पाए जाते हैं उनका दर्जा हरारत आम सतह से कम, कितना कम, करीबन 7,300 दर्जे फॉरेनहाइट तक रहता है। अब ये देखिए 7,000 और 300 जो है उन दागों का दर्जा हरारत है जो सूरज में पाए जाते हैं।
लेकिन जो उसका मरकज है, जो उसका दरमियान है, वहाँ पर 2 करोड़ दर्जे फारेनहाइट तक पहुँच सकता है उसका दर्जा हरारत। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है। नाना जान, मैंने सुना है कि सूरज मुख्तलिफ गैसों का गोला है। अब जो नवासा है, हैदर जो है, वो अपने नाना जान से सवाल कर रहा है कि सूरज जो है क्या वो मुख्तलिफ गैसों का गोला है। अब नाना जान कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, इसमें 75% हाइड्रोजन गैस और 25% हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, 1861 में जूलियस जिनसन नामी साइंसदान ने इस वक्त हीलियम गैस दरियाफ्त की जब सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगा हुआ था। अब देखिए नाना जान ने क्या बताया कि 75% जो हाइड्रोजन गैस है सूरज में, और अब तक सूरज क्या कर चुका है कि अपने वजूद की आधी हाइड्रोजन गैस जो है वो खर्च कर चुका है, और तहकीक से क्या पता चला है कि जमीन और सूरज जो है वो हम उम्र हैं, और जिस खलाई मवाद से सूरज वजूद में आया उसी से जमीन बनी। नेक्स्ट देखते हैं, साइंसदानों ने तमाम कायनात में से सबसे ज़्यादा सूरज ही का मुतालिया किया है। सूरज की आम सतह साइंसी इस्तलाह में ज़ियाई कुर्रा यानी फोटोस्फीयर कहलाती है। अब क्या किया है, सबसे ज़्यादा सूरज का मुतालिया किया है और इसको फोटोस्फीयर, इसकी जो साइंसी इस्तलाह में इसका नाम है, इसकी जो आम सतह है वो फोटोस्फीयर कहलाती है। सूरज का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ सुर्ख हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा तादाद में है। तहकीक से पता चला है कि सूरज पिघलती हुई धातु और दहकती आग का एक बहुत बड़ा गोला है, यानी इसमें जो मुख्तलिफ किस्म की गैसें निकलती रहती हैं। सूरज की शुआएं यानी सूरज की जो रोशनी है वो कुर्रा अर्ज पर ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, यानी जहाँ पर हम रह रहे हैं उसके लिए। अगर ये शुआएं अपनी हरारत ज़मीन तक नहीं पहुँचाएँगे, अगर ये किरणें जो हैं, ये रोशनी जो है, ये अपनी गर्मी ज़मीन तक ना पहुंचाए, तो ना सिर्फ ये कि हमारी कोई फसल तैयार ना हो बल्कि तमाम जानदारों की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नाना जान खामोश हुए तो हैदर बेचैनी से बोल उठा, नाना जान सूरज के बारे में कुछ और भी बताएं। नवासे की बेताबी देखकर वो मुस्कुराए। नाना जान बोले, सूरज अपनी कशिश सकल के ज़रिए यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए ज़मीन को अपने गिर्द घुमा रहा है। इसका वजन ज़मीन से 330,000 गुना ज़्यादा है। यानी किसका वज़न? सूरज का वज़न कितना ज़्यादा है ज़मीन से? 330,000 गुना। सूरज की सतह इस कदर गर्म है कि वहाँ धातें पानी की तरह बहती और गैसें हज़ारों मील तक उठती रहती हैं। यानी इतना ज़्यादा गर्म है वहाँ पर, जो भी धातें हैं वो पानी की तरह बह जाती हैं और गैसें जो हैं वो इतनी ऊपर उठती हैं कि हज़ारों मील तक ऊपर उठती हैं। वहाँ अक्सर धमाके भी होते रहते हैं। मुसलसल पिघलती धातों और वक्तन फवक्तन होने वाले धमाकों के बायस कई धातें इससे अलग भी हो जाती हैं। ये धातें फिर 70,000 मील फी मिनट के हिसाब से खला में गर्दिश करने लगती हैं। यानी कि किस में गर्दिश करने लगती हैं? खला में। सूरज का मुतालिया करने के लिए साइंसदान अमूमन स्याह शीशों वाली दूरबीनें इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? स्याह शीशों वाली दूरबीनें। कभी कभी ज़मीन पर होने वाले धमाके दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। मसलन 1879 में मगरबी साइंसदान सूरज का मुतालिया कर रहे थे कि इन्हें शमसी सतह के करीब 2 धब्बे नज़र आए जो एक दूसरे के करीब हो रहे थे। यानी कि वो मुतालिया कर रहे थे तो उन्हें क्या नज़र आया कि शमसी सतह यानी सूरज की सतह के करीब 2 धब्बे हैं,
जो कि एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। करीबन 17 घंटे बाद एक जबरदस्त बरकी और मकनातीसी तूफान ने जमीन को अपनी लपेट में ले लिया। और तकरीबन 17 घंटे के बाद क्या हुआ कि एक मकनातीसी मतलब अपनी तरफ खींचता हुआ एक तूफान आया और उसने जमीन को अपनी लपेट में ले लिया। खास तौर पर यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रोशनी के साथ नमूदार होने वाले एक पुरस्रार धमाके ने भी जन्म लिया। और साथ ही क्या हुआ कि इन तीनों कंट्रीज में एक रोशनी का एक जो है पुरस्रार धमाका हुआ। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने सूरज और हमारी ज़मीन के दरमियान एक मखसूस इलाका रखा है, यानी कि बहुत एक गैप रखा हुआ है जिसे फिजा कहते हैं। इस इलाके में आवाज़ की लहरें सफ़र नहीं कर सकती। अब उस इलाके में क्या है, आवाज़ की लहरें जो हैं वो ट्रेवल नहीं करती, सफ़र नहीं करती। माहरीन कहते हैं कि सूरज का धमाका, अगर सूरज का धमाका अगर अपनी असल आवाज़ में कुर्रे अर्ज़ पर सुना जाता तो यकीनी तौर पर तमाम जानदार इसे सुनकर हलाक या बहरे ज़रूर हो जाते। यानी वो धमाका इतना बड़ा था कि उसको सुनकर तमाम जानदार या तो हलाक हो जाते या बहरे हो जाते। साइंसदानों का ख्याल है कि 5 अरब साल बाद सूरज अपना वजूद खो देगा, यानी 5 अरब साल बाद, और इतना बड़ा धमाका होगा कि निज़ामे शमसी में मौजूद तमाम सियारे तबाह व बर्बाद होकर ज़र्रों में तब्दील हो जाएंगे। और उस धमाके के बाद होगा क्या कि जितने भी सियारे मौजूद हैं निज़ामे शमसी में वो भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। क्या वाकई, हैदर हैरत से बोला। हाँ, और ये बात तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 1400 वर्ष कबल ही बता दी है। कबल कहते हैं पहले। क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो दुनिया उसकी आवाज़ ही से ख़त्म हो जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, और जब सूरज बेनूर हो जाएगा, यानी सूरज का नूर रोशनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। असल बात यह है कि अल्लाह ताला जो इतनी बड़ी कायनात का तन्हा मालिक और खालिक है, वो जब चाहे इस निज़ाम को ख़त्म करके क़यामत कायम कर दे, और ऐसा करना इसके लिए बहुत आसान है। इस कायनात का एक ज़र्रा भी इसके दायरा इख्तियार से बाहर नहीं है। नाना जान खामोश हुए तो इतने में बाहर बादल नमूदार हो चुके थे और ठंडी हवा चल रही थी। नाना जान, आपका शुक्रिया कि आपने आज सूरज के बारे में बड़ी कीमती मालूमात दी। हैदर ये कहकर माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने, यानी इंजॉय करने माहौल को बाहर निकल गया। अब इसका लेसन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ज़मीन की जिसामत कैसी है, इसका पहला सवाल है। जवाब देखते हैं, ज़मीन की जिसामत दरमियानी होती है। सेकंड पे देखते हैं, ज़मीन सूरज ज़मीन से कितना दूर है। सूरज ज़मीन से करीबन 9 करोड़ 30 मील दूर है। थर्ड है, सूरज की रोशनी ज़मीन पर कितने अरसे बाद पहुंचती है। इसमें हम राइट करेंगे, सूरज से निकलने वाली रोशनी ठीक 8 मिनट बाद ज़मीन तक पहुंचती है। इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट, सूरज पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। इसके जवाब में राइट करेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज ज़मीन को कैसे अपने गिर्द घुमा रहा है। इसका जवाब है, सूरज अपनी कशिश सकल के ज़रिए ज़मीन को अपने गिर्द घुमा रहा है। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त और गलत का इंतखाब करें। इसका सबसे पहला है, हैदर पना मांग रहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, गर्मी से। सेकंड में हम करेंगे, हमें रोशनी और हरारत मिलती है। फोर्थ के ऊपर हमने टिक करना है, सूरज से। थर्ड है, सूरज को सिविल पुकारते थे, सोल पुकारते थे, कौन पुकारते थे, इसका फोर्थ यानी रूमी। फिर है, सूरज को हेलोइस पुकारते थे, यूनानी, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। लास्ट है, सूरज के मरकज का दर्जा हरारत फॉरेनहाइट पर पहुंच जाता है, इसको थर्ड यानी 2 करोड़ फॉरेनहाइट तक पहुंच सकता है। सवाल है, खाली जगह पुर करें। सूरज की जिसामत डैश है, इसमें हम लिखेंगे दरमियानी। सेकंड करते हैं, जनवरी में डैश सूरज से दूर हो जाती है, इसमें हम लिखेंगे ज़मीन। थर्ड है, सूरज के मरकज़ की डैश बहुत ज़्यादा खौफनाक है,
इसमें हम लिखेंगे सूरज के मरकज की सूरत हाल। फिर फोर्थ है, माहिरीन के मुताबिक सूरज की उम्र डैश साल है, इसमें हम राइट करेंगे 4.5 अरब। और लास्ट है, सूरज की आम सतह साइसी इस्तलाह में डैश कहलाती है, यानी ज़ियाई कुर्रा। फिर है सवाल नंबर 4, गलत और दुरुस्त की निशानदेही करें। फर्स्ट है, सूरज हमें हरारत देता है, इसको हमने टिक करना है। सेकंड है, सूरज जमीन से छोटा है, ये रॉन्ग है। सूरज की रोशनी जमीन पर एक मिनट बाद पहुंचती है, ये भी रॉन्ग है। सूरज और जमीन हम उम्र है, ये राइट है। जोलियस जेंसन ने हीलियम गैस दरियाफ्त की, ये भी राइट है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला है, किस चीज से अल्लाह ताला, इसको ज्वाइन करेंगे, की पना मांग रहे हो। सेकंड है, सूरज हमारे निजाम शमसी, इसको ज्वाइन करेंगे, का मरकज और महवर है। थर्ड है, जून और जुलाई में, इसको हमने ज्वाइन करना है, जमीन सूरज के करीब होती है। नेक्स्ट है, जमीन और सूरज, इसका आएगा हम उम्र है, ठीक है, हम उम्र है। लास्ट है, सूरज के एक हिस्से में सुर्ख हाइड्रोजन बकसरत पाई जाती है। अब है अल्फाज के मुतशाबे, अल्फाज और उसके मुतशाबे, यानी आरी, आपने अलिफ मदार रे छोटी अरी आरी लिख देना है। फिर असर, आइन स्वाद रे है, आपने ये वाला असर अलिफ सेरे असर लिख देना है। इल्म, आपने आइन से इल्म लिखना है। बहरा, बहरा में आगे हमजा डाल देना है, हे डाल देना है, सॉरी। उसके बाद ताबे, आपने तोय से ताबे लिख देना है, ठीक है। अराब आप यहाँ से बेटा देख कर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुतजाद अल्फाज के मुतजाद। फर्स्ट है राहत, राहत का मुतजाद होगा रंज। सेकंड है एलानिया, उसका मुतजाद लिखेंगे खुफिया। थर्ड है अमन, उसका मुतजाद लिखेंगे जंग। फोर्थ है यगाना, इसका मुतजाद लिखेंगे दो गाना। और लास्ट है नफा, नफा का मुतजाद लिखेंगे नुकसान। अब है हमारे पास मुहावरात। फर्स्ट मुहावरा है जी चुराना, इसका मतलब लिखेंगे काम से बचना। इसका जुमला राइट करते हैं, जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। सेकंड है पाला पढ़ना, पाला पढ़ना का मीनिंग होगा वास्ता पढ़ना। इसका जुमला राइट करें, लाइक लोगों से पाला पढ़ना बड़े फख्र की बात है, ठीक है। यानी जो लाइक लोग होते हैं वो दूसरों को भी मतलब जो उनके पास हुनर होता है या जो उनके पास तालीम होती है वो दूसरों में भी बांटते हैं। थर्ड है पोल खुलना, पोल खुलना का मतलब होता है हकीकत का आश्कार होना, यानी कि किसी बात का पता चलना। जुमले में लिखेंगे, जब अहमद की पोल खुली तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। नेक्स्ट है ख्वाबे खरगोश, इसका मीनिंग है गहरी नींद। जुमला बनाएंगे, कछुए ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे, या कछुआ ख्वाबे खरगोश का मजा ले रहा था। नेक्स्ट है भाग जाना, भाग जाना, इसका वर्ड क्या है, रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होना का मतलब लिखेंगे भाग जाना। उसका जुमला राइट करेंगे, पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, दर्ज ज़ैल गलत फिक्रात को दुरुस्त करके लिखें। सबसे पहला है, जुमा छुट्टी का दिन है, इसमें जुमा जो है उसकी इमला गलत है, जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है काइंडली बेटा वहाँ से फोकस कर लीजिएगा, जुमा छुट्टी का दिन है। सेकंड है, वक्त मनाया मत करो, इसमें ज़ाया लिखेंगे, मनाया नहीं होगा ज़ाया होगा, ज़ाया मत करें। थर्ड है, हमारे उस्ताद काबिल हैं, इसमें काबिल जो है वो काफ नुक्तों वाला आएगा, काबिल। थर्ड है, ये बोड़ का दरख्त है, ये बोड़ नहीं ये बड़ का दरख्त है, ठीक है, बड़ का दरख्त है। और लास्ट है, इब्ने बतूता बहुत बड़ा स्याह है, इसमें स्याह के आगे जीम चे हे वाला हे राइट करेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आपका आज का जो लेसन था उसकी हमने सबसे पहले रीडिंग की और उसके बाद इसकी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आपका यूनिट नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसको बहुत नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज पे राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।